हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे कि पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में बीकॉम और बीकॉम ऑनर्स में एडमिशन कैसे लें। डिटेल्ड एडमिशन प्रोसेस की हम बात करेंगे, सीट्स की बात करेंगे, फीस स्ट्रक्चर की बात करेंगे, एंट्रेंस होगा या मेरिट बेस पर होगा, अगर एंट्रेंस होगा तो किस किस तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी है, मेरिट बेस पर होगा तो आपके कितने नंबर्स, कितने मार्क्स आपको लोगों को चाहिए कि आप लोगों को आसानी से एडमिशन मिल जाए। सो आप लोग अगर बीकॉम या बीकॉम ऑनर्स करना चाहते हो पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से, तो आप लोगों को करना यह है कि इस वीडियो को एंड तक देखना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना है, और इंस्टाग्राम हैंडल है हमारा @RJ_शुभम_चंदेल, तो उस अकाउंट को फॉलो कर लेना है ताकि लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आप लोगों को एडमिशन से रिलेटेड मिलती रहे। सो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आप लोगों को बता दूं कि बीकॉम पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ का सिर्फ एक ही डिपार्टमेंट ऑफर करता है, बीकॉम कोर्स। तो बैचलर्स ऑफ कॉमर्स डिग्री जो कि 3 साल की है, वो डिपार्टमेंट ऑफ इवनिंग स्टडीज DESMDRC पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़, इवनिंग डिपार्टमेंट है पंजाब यूनिवर्सिटी का, तो वही डिपार्टमेंट है जो आप लोगों को बीकॉम ऑफर करता है। और क्लासेज इसकी इवनिंग में होती हैं, 3 to 9 इसकी टाइमिंग होती है, 3 PM to 9 PM। सो आप लोग अगर बीकॉम करना चाहते हो पंजाब यूनिवर्सिटी मेन कैंपस से, सो आप लोगों को इवनिंग डिपार्टमेंट में एडमिशन लेना पड़ेगा। अब डिपार्टमेंट के बाद बात करते हैं इसकी कोर्स के बारे में। तो कोर्स का नाम है बैचलर्स ऑफ कॉमर्स और 3 ईयर डिग्री कोर्स है, और इसमें 70 सीट्स टोटल होती हैं, यानी कि 70 सीट्स आप लोगों को जो है वो टोटल है। वेबसाइट पर अगर आप डिपार्टमेंट ऑफ इवनिंग स्टडीज की वेबसाइट पर चेक करोगे तो 210 आप लोगों को 210 सीटें दिखाएगा, बट वो 210 सीटें टोटल 3 ईयर्स की है, ना कि 1 साल की। सो 70 सीट्स आप लोगों को मिलेंगी यहाँ पर, और इसमें मैं आप लोगों को कैटेगरी वाइज भी सीट्स बता देता हूँ क्योंकि डिटेल्ड वीडियो हम बना रहे हैं। तो 37 जनरल की, SC की 11, ST 5, BC 4, फ्रीडम फाइटर्स की 1, बॉर्डर एरिया स्टूडेंट की 1, रूरल एरिया स्टूडेंट की 2, और 1 गर्ल चाइल्ड की 2 सीट्स होती हैं। इसके अलावा डिफेंस कैटेगरी की 4 सीट्स जो है वो पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ के इस डिपार्टमेंट में है बीकॉम कोर्स के लिए। अब इसके बाद आप लोगों को सीट स्ट्रक्चर सीट्स का बता दिया है मैंने, अब बात करते हैं फीस स्ट्रक्चर की कि पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ की इस डिपार्टमेंट की फीस क्या है। सो ये कोर्स ना ही सेल्फ फाइनेंस है, यानी कि सेल्फ फाइनेंस कोर्स नहीं है, तो इसकी फीस काफ़ी कम है, और फीस इसकी 9,945 रुपीज़ आपको अपनी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट फीस की जब आप एडमिशन लेते हो तब देनी पड़ती है। और अगर मैं टोटल मिला करके एग्जामिनेशन फीस और सेकंड इंस्टॉलमेंट सारा कुछ मिला करके बताऊं तो अप्रोक्स आप लोगों को 20,000 में 1 साल की डिग्री आप लोगों को मिल जाएगी, यानी कि 60-70 हज़ार रुपये आपको 3 साल में डिपार्टमेंट को देने पड़ेंगे अपनी डिग्री के लिए। इसके अलावा आपके बाहर के जो खर्चे होते हैं वो तो अलग है, बट जो मैं फीस की बात कर रहा हूँ ट्यूशन फीस एग्जामिनेशन फीस की, सो ये आप लोगों की अबाउट 20,000 पर एनम आप लोगों को पड़ जाएगी। अब बात करते हैं कि ऑनर्स की, बीकॉम ऑनर्स के लिए अलग स्ट्रक्चर है, फीस स्ट्रक्चर है या क्या चीज़ है। सो बीकॉम ऑनर्स आप लोगों को सेकंड ईयर में, जब आप फर्स्ट ईयर अपना कंप्लीट कर लोगे उसके बाद आपको सेकंड ईयर में जब आप एडमिशन लोगे तो आपको अपनी एडमिशन जो ऑनगोइंग एडमिशन फॉर्म होता है उसके साथ साथ जो इस साइड आप लोगों को दिख जाएगा एक इस तरीके का फॉर्म जो है वो फिल करके अपने डिपार्टमेंट को देना होता है, तो आप लोग उसके बाद सेकंड ईयर से ऑनर्स परस्यू कर सकते हो। ऑनर्स का सब्जेक्ट भी आप लोगों के पास ऐड हो जाएगा। इसमें ऑनर्स में आप लोगों को बता देता हूं कि ऑनर्स आप लोगों को सिर्फ दो सब्जेक्ट्स में दी जाती है, पहला है बैंकिंग और दूसरा है आप लोगों का इकोनॉमिक्स। तो बैंकिंग और इकोनॉमिक्स में आप लोग यहां से ऑनर्स कर सकते हो। अब बात करते हैं ऑनर्स की फीस स्ट्रक्चर की, पहले तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि ऑनर्स का फीस स्ट्रक्चर क्या है। ऑनर्स का फीस आप लोगों को, जैसे मैंने यहाँ पर बताया कि फर्स्ट ईयर का आप लोगों का ऑनर्स और सारा कुछ ऑनर्स अलग नहीं होती फर्स्ट ईयर में, तो फर्स्ट ईयर का तो आपको अप्रोक्स 20,000 पड़ेगा। सेकंड ईयर में अगर आप ऑनर्स ऑप्ट करते हो बैंकिंग और इकोनॉमिक्स में, तो इनमें से एक सब्जेक्ट आप चूज करोगे तो आप लोगों को अप्रोक्स 1,000 रुपीज आपको हर एक फीस में, यानी कि आपको अगर 25,000 के आसपास आप लोगों को 1 साल पड़ जाएगा अगर आप ऑनर्स लेते हो सेकंड ईयर से। सो ये है ऑनर्स के बारे में। अब एडमिशन प्रोसेस की हम बात कर लेते हैं। फीस स्ट्रक्चर मैंने बता दिया, लगभग सारी चीज़ें कवर हो चुकी हैं, अब बात आती है एडमिशन प्रोसेस की। सो एज यू ऑल नो कि जब से न्यू एजुकेशन पॉलिसी रिलीज हुई उसके बाद से जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो कोशिश कर रही है कि एक ही एंट्रेंस टेस्ट के अंडर सारी यूनिवर्सिटीज़ को जो है वो कवर किया जाए, बट पंजाब यूनिवर्सिटी इज़ नॉट अ सेंट्रल यूनिवर्सिटी। पंजाब यूनिवर्सिटी एक स्टेट यूनिवर्सिटी है, इंटर स्टेट बॉडी है, जिसका फंड सेंट्रल गवर्नमेंट भी देती है और पंजाब गवर्नमेंट भी देती है, यानी कि दोनों गवर्नमेंट्स ये फंड देती हैं, और ये एक स्टेट यूनिवर्सिटी भी नहीं है और सेंट्रल भी नहीं, ऑटोनोमस बॉडी है। तो
इसकी एडमिशन सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की एडमिशन प्रोसेस से अलग है, यानी कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस टेस्ट अभी तक इस यूनिवर्सिटी पर अप्लीकेबल नहीं है 2023 तक। तो इस साल की एडमिशन प्रोसेस क्या होगी, और अगर ये यूनिवर्सिटी अभी तो CUET को मान्यता नहीं देने वाली है, अभी तक इसका अपना एडमिशन प्रोसेस है, तो अपना एडमिशन प्रोसेस, तो उसमें कैसे आप लोगों की एडमिशन होगी। पहले तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि मैंने पिछले साल एक डिटेल्ड वीडियो बनाई थी BA BCom की एडमिशन की, काफी ज्यादा व्यूज आप लोगों ने उसको दिए हैं, उस पर काफी सारे क्वेश्चंस भी हैं, तो आप उस वीडियो को जाकर के देख लीजिएगा एडमिशन प्रोसेस के लिए। बाकी मैं आपको बता देता हूं कि BCom की एडमिशन जो है वो टोटली मेरिट बेस्ड एडमिशन है। मेरिट बेस्ड एडमिशन यानी कि आपके क्लास 12th में जितने भी मार्क्स आए हैं उन मार्क्स के बेस पर आप लोगों को एडमिशन मिलेगी BCom में। तो अब आपका क्वेश्चन होगा कि भैया कितने मार्क्स चाहिए, कितने मार्क्स चाहिए कि आप लोगों को BCom मिल जाए। सो इसमें आप लोगों की मेरिट जो है वो टोटल, जैसे आपके 90% 12th में, तो वो 90% आप लोगों के कैलकुलेट नहीं होंगे। इसके अलावा आप लोगों की वेटेज मिलती है आपके सब्जेक्ट्स को भी, तो 90% में आपके एडिशन होता है आपके सब्जेक्ट वेटेज। आपको इसमें वेटेज मिलती है अकाउंटेंसी की, बिजनेस स्टडीज की, और बाकी इकोनॉमिक्स की, मैथमेटिक्स की। सो ये 3-4 सब्जेक्ट हैं जिनकी 8% पर सब्जेक्ट आप लोगों को जो है वो वेटेज मिलती है जब आप अपना एडमिशन फॉर्म भरते हो। तो आप लोग ये जो मैं साइड में आप लोगों को एक थंबनेल दिखा रहा हूँ, ये थंबनेल है कि आपको एडमिशन फॉर्म कैसे फिल करना है। सो इसमें मैंने बताया हुआ डिटेल में कि आपको कैसे सब्जेक्ट सिलेक्ट करने हैं। तो आप लोग जब अपने सब्जेक्ट सिलेक्ट करोगे, जितने भी आप सब्जेक्ट सिलेक्ट करते हो, तो उन सब्जेक्ट के हिसाब से आपकी वेटेज, एडिशनल वेटेज जिसे कहते हैं, वो बनती जाती है। उसके बेस पर आप लोगों की मेरिट बनती है। सो इसमें मैं आप लोगों को बता दूं कि कट ऑफ क्या गई है। सो कट ऑफ लास्ट ईयर की गई है आप लोगों की जनरल कैटेगरी के लिए 109.6 मेरिट। ये मेरिट है, यानी कि आपके परसेंटेज नहीं है, मेरिट बनी है आपके एडिशनल सब्जेक्ट्स की वेटेज लगाने के बाद। अगर आप डिटेल में चाहते हो कि मैं आप लोगों को बताऊं कि आप लोगों की वेटेज कितनी होगी, वेटेज कैलकुलेशन कैसे होता है, तो साइड में आप लोगों को वीडियो का थंबनेल दिख रहा है, ये सारी वीडियोस आपको कमेंट पिन में मिल जाएंगी, तो आप इन वीडियोस को चेक कर लीजिएगा। SC कैटेगरी की 103.6 वेटेज थी, 6th percentile आप लोगों के थे, और BC कैटेगरी में 104.6 मेरिट आप लोगों की बनी थी 2022-23 बैच के लिए। सो ये है आप लोगों की पूरी एडमिशन प्रोसेस BCom की। अपनी तरफ से तो मैंने इसमें लगभग सारी चीज़ें कवर कर दी हैं, कोई भी चीज़ में छुट्टी नहीं है। हाँ, एक हॉस्टल्स का क्वेश्चन रहता है अभी, वो भी मैं आप लोगों को इसी वीडियो में बता देता हूँ कि हॉस्टल मिलेगा या नहीं, और अगर मिलेगा तो कितना एक्सपेंस होता है। सो हॉस्टल का एक्सपेंस आप लोगों का 10-12,000 पर एनम होता है, जिनको रेगुलर बेसिस पे हॉस्टल मिल जाता है। बट रेगुलर बेसिस पे यहाँ पर आपको BCom की 5-7 गर्ल्स को, ओनली गर्ल्स स्टूडेंट्स को हॉस्टल मिलेगा, वो भी 5-7 सीट ही है। तो आप लोगों को बाहर रहना पड़ेगा, उसका थोड़ा आप लोगों को खर्चा ज्यादा होता है। इसके अलावा अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो इंस्टाग्राम हैंडल @RJ_शुभम_चंदेल, उस पर जाकर के आप हमें फॉलो कर सकते हैं। वहां पर हम अपनी स्टोरी में आप लोगों से क्वेश्चन पूछते रहते हैं, तो वहां पर अपने क्वेश्चन आप पुट कर सकते हो। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू सून इन अनदर वीडियो।